ऑनलाइन है नीतीश अभी। भाई, ये हाँ हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा पूछना हूँ। था कि जैसे प्राइज एक्शन मैंने काफी कुछ आपसे ही सीखा है, फेस टू फेस आपका वीडियो था या फिर कई सारे एग्जांपल देख के। तो अभी के टाइम में जो जितना मार्केट फ्लैक्चुएट हो रहा है कि ऊपर गया 200 300 पॉइंट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो प्राइज एक्शन से इसको मतलब मैनेज कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे अभी के टाइम में? या तो आदमी होल्ड कर दे, रुका रहे ना, ट्रेड करे, ऐसा वेट करे, लेकिन अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो इसको कैसे मैनेज मैनेज करेंगे? क्योंकि मेरा पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट मतलब 7 लाख लॉस चला गया है। तो ये अभी तो अपन होल्ड कर दिए, लेकिन ये यही समझना था कि इसको कैसे कर सकते हैं मैनेज। देखो, मेरा मानना है कि रिटेल पब्लिक को अगर पैसा कमाना है तो आए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ट्रेंड राइड करोगे लंबा तो ही कमा पाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्टली मोर देन 95% लॉस ही करते हैं। और पैसा अगर दूसरे तरीके से कमाना है तो कैश में इन्वेस्ट करो। कैश में आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक परचेस करोगे तो उसको होल्ड भी कर सकते हो। और रही बात प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन जब वीक्स ज्यादा रहता है तो छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे वो काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा और पोजिशन पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रा में तो क्या मूव बड़ी आती रहती है उसमें, इंट्रा इंट्रा डे में। क्योंकि अब रिसेंट एग्जांपल अगर फ्राइडे के स्टॉक में भी अगर कोई ले लोगे तो अपोलो हॉस्पिटल का देख लो, ऊपर गया था फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे मतलब उसमें वॉल्यूम था उस दिन अपोलो हॉस्पिटल। तो ऐसे में अगर वो लंबा टाइम फ्रेम चेक करेगा तो ही वो ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वीक्स रहेगा स्टॉक का मूवमेंट, वीक्स ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। विक्स ज्यादा रहेगा तो जितना मूव नीचे आ सकता है उतना मूव अप मूव में भी आ सकता है, तो दोनों तरफ स्टॉक आपका बड़ा हो जाता है। तो टाइम फ्रेम उसमें लंबे टाइम फ्रेम पे जाओ, और हाई विक्स में क्या करने का, जैसे मेरा जैनम वाला वीडियो है उसमें रिवर्सल पे खेलने का। मान लो कि स्टॉक मूव कर चुका है हाईएस्ट वॉल्यूम से अगर ऊपर गया है, अगर वही कैंडल रिजेक्ट हो जाता है मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा था और वहां से रिवर्स होना चालू होता है, छोटे स्टॉप लॉस पे आप रिवर्सल पे जब विक्स हाई रहता है तो खेल सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उसमें आई एग्री विद यू। ब्रेकआउट बहुत काम नहीं करेगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग जब विक्स हाई रहता है तो, क्योंकि ऊपर जाता है तो नीचे भी आ सकता है, इसलिए रिवर्सल इज द बेस्ट वे टू प्ले व्हेन एवर वी आर एक्सीडेंट। आई एग्री विद थैंक यू नीतीश भाई। थैंक यू। पहले आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है राइट मार्केट में। तो मेरे को नहीं मालूम जी है कि जी कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल लॉस हुआ है, लेकिन आपने जैसे बताया तो वो एक लॉस है लेकिन आपको, राइट? तो बेटर है कि आप पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कैश में ट्रेडिंग करके, देन यू कैन मूव टू ऑप्शन सेलिंग, राइट? आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास में? मैं अभी 3 साल से हूँ, लेकिन अभी एफेंडो में मैंने 1.5 साल से स्टार्ट करा, लेकिन काफी मान के चलो कि आप काफी कैपिटल उड़ गया है। अभी ये बताओ कि चलो आपका एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जानने के लिए कि एफेंडो में आप ट्रेड क्या करते थे वो बताओ। चलो एफेंडो में मैं ऑलमोस्ट ज्यादातर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक, जो 2-4 बड़े स्टॉक थे उसका करता था। लेकिन अभी क्या है, जब ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगा तो उसमें क्या मैनेज नहीं हो पाया कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो इसमें हाँ, आप मान के चलो कि दो चार स्टॉक मतलब पर्टिकुलर दो चार स्टॉक आपने फिक्स करके रखे थे? हाँ, मतलब इतना समझ में आ गया था कि बड़े स्टॉक में ही करते थे, लेकिन हाँ, इंडेक्स वो में स्टॉक मेरा के नाम, ज्यादा। अभी अभी वो स्टॉक के नाम बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे रिलायंस में मैं करता था, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, जैसे टाटा मोटर्स में लिया था मैंने, तो उस समय थोड़ा सा वो ठीक है, वो आइडिया छोड़ भी दो। नहीं। अभी चलो मैं बताता हूँ। अभी कोई भी स्टॉक हो, समझ लो कि अपना निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लो, अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है तो जरूरी नहीं कि सभी स्टॉक डेली 5% मूव करेंगे या फिर ऊपर या नीचे की। अगर सभी स्टॉक 5% मूव करेंगे तो निफ्टी भी 5% मूव करेगा निफ्टी 50 में, बराबर। कोई स्टॉक उसमें 3% मूव करेगा, कोई 1% करेगा, कोई -1% रहेगा, कोई फ्लैट रहेगा। अभी आप बोल रहे हो कि मैं 4 स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ,
जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक डेली मूव करे, आइदर फ्लैट रहेंगे तो क्या रहेगा कि बड़े लोगों का पार्टीशन कम हो जाता है, नॉर्मली छोटे मोटे प्लेयर्स का पार्टीशन रहता है उसमें, और वो स्टॉक 1% में मूव करेगा पूरे दिन के अंदर, थोड़े टाइम के लिए नीचे जाएगा, थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाएगा, थोड़े वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ट्रेंड क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो बाय कर लोगे, बाद में नीचे आएगा तो आप डर के मारे निकाल दोगे, फिर वापस ऊपर आएगा तो फिर से एंट्री करोगे, फिर वापस नीचे। यही हुआ काफी, मतलब आधा लॉस तो यही हुआ। पर प्रशांत, आप है ना कंसोलिडेशन फेज में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो वो जो भी लॉस हो रहा है आपको कंसोलिडेशन फेज में हो रहा है। कंसोलिडेशन फेज ऐसा है ना कि मैक्सिमम ट्रेडर उसमें लॉस करते हैं और पैसा साफ हो जाता है लोगों का, क्योंकि उसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता है। और अब ट्रेड किसमें करना चाहिए, जो स्टॉक में मोमेंटम रहता है उसमें ही ट्रेड करो। मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे आप, एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हो तो आप टॉप गेनर या टॉप लूजर में देख लो, जो टॉप पे बैठे है ना उसमें मोमेंटम रहता है, बीच वाले स्टॉक पूरे दिन में हिलेंगे भी नहीं और आप लॉस करते रहोगे उसमें। फिर टॉप वाले स्टॉक में आप चार्ट देखो, चार्ट क्या बोलता है, सस्टेन हो रहा है लेवल, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाय करो, अगर नीचे की तरफ जा रहा है सस्टेन लेवल हो रहा है तो उसको सेल करो, अगर कुछ भी नहीं तो कुछ मत करो। दिस इज माय एक्सपीरियंस। और एक और चीज है कि आप कितने कैपिटल पे चार स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो देखिए अब तो कैपिटल चला गया, फिर अगले महीने तो फिर स्टार्ट करने की प्लानिंग है, नहीं तो वो गलत है। जैसे मितेश भाई तो हमेशा बोलते हैं कि अगर एक लॉट में करना है तो कम से कम 20 लाख से रुपया ऊपर हो तो ही एक लॉट में काम। फ्यूचर में देखो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है आज की डेट में, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो रहता है अपना कोई भी स्टॉक, अभी अदानी एंटरप्राइज का देख लो, 500 का लॉट है, रेट चल रहा है 3700 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 17 लाख का तो उसका वैल्यू हो चुका है बराबर। अगर आपके पास कैपिटल 20 लाख है या फिर 5 लाख ही लेके आए समझ लो, और एक मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो एक ही लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या बाय कर रहे हो वो देखो 17 लाख का, क्योंकि मिनिमम आज की डेट में 7 से लेके 10 लाख का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है। अगर आप 10 लाख के कैपिटल पे सिर्फ एक ही लॉट लोगे, जो स्टॉक में जो मूवमेंट आएगा परसेंट में वो ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें। 10% और 1% तो स्टॉक में नॉर्मल मूव रहता है, अगर 1% आपके ऑपोजिट में चला गया, 2% चला गया, तो आपका लॉस 2% पक्का है। ये कब, जब आपने अपना पोजीशन साइज परफेक्ट रखा है, नोशनल वैल्यू आपका कैपिटल है उतना ही बाय किया। लेकिन लोग यहाँ अटकते नहीं है, अगर 10 लाख कैपिटल है 3 लाख में एक लॉट बाय किया तो थोड़ा नीचे आएगा तो दूसरा लॉट भी ऐड कर देंगे एवरेज करने के लिए, मतलब उनका साइज बढ़ जाएगा, कैपिटल है अपने पास 10 लाख, साइज हो जाएगा 20 लाख, स्टॉक 0.5% भी मूव करेगा ऑपोजिट में तो उनको 1% लॉस जाएगा, 1% मूव करेगा तो 2% लॉस जाएगा, लॉस मतलब। और अपने रिटेल ट्रेडर्स ऐसे है ना कि लॉस में बैठे ही रहते हैं, स्टॉक 10% भी गिरेगा ना तब तक बैठे रहेंगे, तो मतलब 20% कैपिटल साफ हो जाता है। इसलिए मैं फ्यूचर में अगर ट्रेडिंग करना है, मेरे जितने भी लोग कांटेक्ट में आते हैं ना, मैं उनको वही बोलता हूँ, अगर आपके पास 50 लाख कैपिटल है तो सिर्फ एक ही स्टॉक में सिर्फ एक ही लॉट बाय करो, अगर आपको पोजिशन साइज परफेक्ट रखना है तो। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लॉट पकड़ के बैठ जाओ, एक ही स्टॉक के अंदर एक ही लॉट बाय करो, अगर दूसरा स्टॉक में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो उसमें भी एक ही लॉट बाय करो उसमें। सभी स्टॉक तो ऐसा नहीं है कि 10% आपके ऑपोजिट में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर 50 लाख के कैपिटल पे आपने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बाय किया, अगर आपके अगेंस्ट में भी गया हो तो आपने गिफ्ट बाय किया है, अगर 5% भी अगेंस्ट में जाएगा तो आपको मैक्सिमम लॉस 1% होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आपने दूसरा स्टॉक भी अगर पकड़ के रखा है, वो थोड़ा मूव किया आपके फेवर में 2%, तो वहां पे आपका थोड़ा लॉस कंपेंसेट करेगा, तो आपको उसमें लॉस नहीं दिखेगा। तो कैपिटल इज द मेन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर। ऑप्शन में आप कर सकते हो 2 लाख कैपिटल से या 4 लाख कैपिटल पे फार होती है ऑप्शन सेल करके, क्योंकि उसमें आपका उतना जल्दी लॉस नहीं जाएगा। तो असल में आपके जो लॉसेस जो हो रहे, मैं बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं गेस करूँ तो आप कैपिटल कम से खेल रहे होंगे, पर्टिकुलर कुछ 4 या 5 स्टॉक में खेल रहे होंगे, और वो डेली उसमें ट्रेड करते हो, जबकि वो कंसोलिडेशन फेज में रहता है तो भी आप ट्रेड करते हो उसमें कंसोलिडेशन। आप फ्राइडे को
ऐसे स्टॉक ढूंढो सिर्फ दिन में 1% मूव हुए हैं और उसका चार्ट देखो, ऊपर नीचे डब्ल्यू शेप में ही घुमा होगा, उसमें ट्रेडर हमेशा लॉस करता है। राइट फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मोमेंटम वाले स्टॉक को कैच करो, मोमेंटम वाले आपको मिलेंगे टॉप में, टॉप लिस्ट में मिलेंगे, डाउन साइड में और अप साइड में। पावर ग्रिड का चार्ट देख लेना, फ्राइडे को इतना स्मूथ चल रहा था, वो टॉप लूजर में था, किसी ने भी प्राइस एक्शन ट्रेड किया होगा तो उसको प्रॉफिट मिल चुका होता। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक चीज आपकी ना मुझे समझने में साल डेढ़ साल लग गए और उसमें मैं लॉस कर गया, लेकिन अब समझ में आया कि एक तो आपने जो बताया रीजन वो था, दूसरे की जैसे आप आपका वीडियो मैंने कई जगह देखा, बात सुनी, तो आप जो बार बार बोलते हो ना कि जो प्रॉफिट हो रहा है 1%, 2%, 3% जो प्रॉफिट हो रहा है आप उतना टारगेट रखो, लेकिन मेरे ट्रेड प्रॉफिट में थे ना वो भी मैंने गवा दिए, क्योंकि अपने को लगता था और ज्यादा कमा लेंगे, उसमें ज्यादा कमा लेंगे 10-15-20%, कई बार डबल, तो इस चक्कर में लॉस हो गया। लेकिन ये आप जो बार बार बोलते हो ना, इसको समझने में मुझे एक साल लग गया कि अगर मैं आपकी बात को अगर समझ के कम प्रॉफिट पे अगर रुका रहता ना तो मैं अपना कैपिटल बचा ले गया होता, लेकिन जब कैपिटल उड़ गया तो हमको फिर कई बार मैंने देखा कई सारे आपके वीडियो 5-7 बार और दूसरे लोगों के भी देखे मैंने, तो हमको समझ में आया कि ये भी मैंने बड़ा मिस्टेक कर दिया, कि ये क्रक्स नहीं समझ पाया कि 1%, 2% कम प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट लेके निकलो, कम से कम 100 रुपए आ तो रहा है ना, पूंजी तो नहीं जा रही है ना, तो ये बात आपकी मेरे को अब समझ में आई, लेकिन तब समझ में आई काफी लॉस हो गया, लेकिन अब मतलब समझ में आ गई है वो चीज की ज्यादा लालच नहीं है। अभी भी आप गलत सोच रहे हो कि 100% 100 रुपया 200 रुपया जो भी आता है वो निकल लो, प्रॉफिट में कभी भी नहीं निकलने का, ट्रेल स्टॉप लॉस करके बैठे रहने का, जब तक प्रॉफिट मिलता है उसको राइड करो, लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस करना ही है, करना है। प्रॉफिट में जहां पे भी जाता है उसको राइड करो। रिसेंट एग्जांपल देख लो, अगर किसी ने अंबुजा सीमेंट को 400 पे बाय किया होगा और 410-15 पे निकल गया होगा तो उसका जो 560 तक का जो रैली है वो पूरा मिस कर चुका होता, वो 590 तक, जो 585 तक आया वो। अच्छा, मतलब प्रॉफिट में जाए तो स्टॉप उसको ट्रेल करते रहो ऊपर, ट्रेल करने का प्रॉफिट में, लॉस अपना फिक्स, मतलब लॉस में फिक्स होना चाहिए अपना स्टॉप। अच्छा, इन शॉर्ट प्रशांत भाई, बेटर है कि आप पहले प्राइस एक्शन सीखिए, ज्यादा अच्छे से सीखिए, आप सीखे होंगे लेकिन थोड़ा और अच्छा सीखिए, फिर आपके पास जितना कैपिटल है उतने कैपिटल से आप पहले कैश में ट्रेडिंग करिए, देखिए प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भले छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है वो बात की बात है, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद आप फ्यूचर में आइए, या फिर मैं वो बोलूंगा बेटर है फ्यूचर में करने से अच्छा है ऑप्शन सेलिंग करिए, वो ज्यादा अच्छा है, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक चीज है जो मैंने अभी जो बातें आपको जो बताई वो पहले भी बताई होती ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेडर किसी की सुनता नहीं है, सही बात है, वो अपने आप फील नहीं करेगा ना तब तक उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा सच बोल रहा था। सही बात, जब जाएंगे ना तब पता चल रहा है कि उसने जो भी बोला है वो सच बोला था, मैं काश मैंने इसकी बात सुनी। एकदम सही बोल रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।